डायमीटर्स की बात करें तो डायमीटर्स आपको तीन पढ़ने पड़ेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डायमीटर। अगर देखो इनलेट आपको ऐसे नजर आएगी तो ये तो है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स, और ये है ओब्लिक, ये भी ओब्लिक है और ये भी ओब्लिक, लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से नाप सकते हो। तो ये है ओब्लिक डायमीटर। तो तीन आपको डायमीटर इनके मेजर करने पड़ेंगे इनलेट के, ठीक है। तो देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करते हैं पहले। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, इनके कॉन्जुगेट, इनके क्या याद रखने पड़ेंगे आपको, कॉन्जुगेट ध्यान रखने पड़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो बेसिकली 11 होता है, 11 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली, याद रखने के लिए ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 सेंटीमीटर है। लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में थोड़ा सा ज्यादा चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें कॉन्जुगेट होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर नापने में तीन तरीके से आप इसको नाप सकते हो, तीन कॉन्जुगेट है, टी ओ डी, तीन कॉन्जुगेट है, ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट जिसको एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे की बात करें तो ओ से होता है ऑब्स्ट्रेक्टिक, ऑब्स्ट्रेक्टिक कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रेक्टिक कॉन्जुगेट। और तीसरे को बोलते हैं डायगनल कॉन्जुगेट, डायगनल कॉन्जुगेट। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए एक एक को हम बात करेंगे, इनलेट के डायमीटर्स, ठीक है। तो इनलेट के डायमीटर्स में पहला डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। और एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। याद कैसे होगा वो भी ट्रिक याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। देखिए बात कर रहे हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियर, और मैंने आपको बताया एंटीरियर पोस्टीरियर में आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी यहां से, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, ट्रू कॉन्जुगेट, इनके कॉन्जुगेट याद रखने पड़ेंगे, ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है। नंबर वन, ट्रू कॉन्जुगेट को एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो नापते हो आप, देखो इसमें डिस्टेंस कहां से मेजर होती है देखना पड़ेगा डायग्राम से, एक्चुअल डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगा, आपको इमेज के थ्रू दिखा दूंगा, लेकिन अभी समझने के लिए देखो ये है लेटरल व्यू ऑफ प्यूबिस सिंफाइसिस, लेटरल व्यू, ठीक है। और ये है सैक्रल बोन, और ये सैक्रल प्रोमिनेंट्री, ठीक है, सैक्रल बोन, कॉकेक्स बोन, सैक्रम, कॉकेक्स, ये एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, सिर्फ समझाने हाइपोथेटिकल है समझाने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये आगे की साइड है, एंटीरियर सिंफाइसिस प्यूबिस है, सिंफाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस सिंफाइसिस प्यूबिस, और ये है पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात कर रहे हैं, इनलेट की, इनलेट ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहां से लेके यहां तक डायमीटर नापोगे, सैक्रल प्रोमिनेंट्री से लेके अपर सरफेस ऑफ प्यूबिस सिंफाइसिस, तो उसको तो बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। अगर आप मिडल सरफेस से लेके सैक्रल प्रोमिनेंट्री तक नापोगे उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉन्जुगेट, सेकंड नंबर पे जो बताया था। और लास्ट है डायगनल कॉन्जुगेट, डायगनल कॉन्जुगेट लास्ट वाला है, ये वाला जो इंफीरियर सरफेस से कहां तक नापोगे, जो इंफीरियर बॉर्डर से लेके कहां तक होगा, सैक्रल प्रोमिनेंट्री तक होगा, उसका डायमीटर वो है डी, ठीक है। तो एक बार देखो ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्रू कॉन्जुगेट है डिस्टेंस कहां से लेके, अपर बॉर्डर से लेके, अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिंफाइसिस से, सैक्रल प्रोमिनेंट्री, सैक्रल प्रोमिनेंट्री। दूसरा
अच्छा मेजरमेंट कितना होगा, तो मेजरमेंट अभी याद करा दूंगा एक बार, पहले इनको देखो। दूसरा ऑब्स्टेट्रिकल, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को तीन तरीके से बांटा गया है इसके हिसाब से, क्योंकि ये बीच में मोटा है साइड से पतला है उसके हिसाब से। और ऑब्स्टेट्रिकल जो कॉन्जुगेट है वो कहां से कहां तक का है, वो मिडिल बॉर्डर से लेके सैक्रल प्रोमिनेंट्री तक, वो पॉइंट सेम रहेगा मिडिल बॉर्डर से लेके मिडिल पार्ट से लेके मिडिल पार्ट ऑफ प्यूबिस सिंपाइसिस से लेके सैक्रल प्रोमिनेंट्री। और थर्ड डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट इसमें क्या होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट में ये स्टार्ट होता है लोअर बॉर्डर से, लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होता है, लोअर बॉर्डर और कहां तक जाएगा सैक्रल प्रोमिनेंट्री, सैक्रल प्रोमिनेंट्री लोअर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमिनेंट्री। आपको कैसे याद रखना, तोड़, तोड़ से इसकी ट्रिक है, ठीक है, तोड़ से इसकी ट्रिक है। 10 11 12 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है और फिर ऊपर के दो को चेंज कर देना, ये 11 कर दो ये 10 कर दो, खत्म। 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ट्रू कॉन्जुगेट का जो डायमीटर है वो है 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट का डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर, डायगोनल कॉन्जुगेट सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा कॉन्जुगेट है, ठीक है, और एक ऐसा कॉन्जुगेट है जो इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन से जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं, जो मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू। ये दोनों वेजाइनल एग्जामिनेशन से मेजरमेंट नहीं होगा। इनका मेजरमेंट कैसे होगा, जितनी वैल्यू इसकी आती है उसमें से अगर दो घटाते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक घटाओगे तो ट्रू कॉन्जुगेट आ जाएगा, ऐसे इसको निकालते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं कि डायगोनल कॉन्जुगेट से कैसे डायमीटर लेंथ जो है इनकी डायमीटर से जो है वो निकलेंगे, क्लियर है यहां तक। चलिए बात करते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट, देखिए डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट कहां से कहां तक होता है, तो लोअर पार्ट से लेके कहां तक था सैक्रल प्रोमिनेंट्री, ये तो याद हो गया होगा आपको, तोड़ से ट्रिक थी डी है लास्ट वाला है। ओनली कॉन्जुगेट मेजर बाय वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू आप डायगोनल कॉन्जुगेट को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करोगे एक बार देखो, इसमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को या क्लाइंट को, क्लाइंट बोल सकते हैं, डोर्सल पोजीशन देनी होती है। पहली बात कौन सी पोजीशन दोगे, डोर्सल पोजीशन। सर ये कौन सी पोजीशन होती है तो सुनी नहीं, देखो सुपाइन पोजीशन को ही डोर्सल पोजीशन बोलते हैं, सुपाइन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन दोगे विद लेग फ्लेक्स्ड, लेग को आप फ्लेक्स भी कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली अगर फीमेल ऐसे है तो लेग फ्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये बात है इसकी, ठीक है। डायगोनल डोर्सल पोजीशन की बात करें, आपने पोजीशन में पेशेंट को या क्लाइंट को लिटा दिया मेजरमेंट के लिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टू फिंगर इंसर्ट करनी पड़ेगी, टू फिंगर इंसर्ट इनटू वेजाइना, वेजाइना के अंदर आपको टू फिंगर इंसर्ट करनी पड़ती है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, कौन सी, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल पेल्विस के अंदर क्या होगा, अगर पेल्विस नॉर्मल है, नॉर्मल पेल्विस में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, डिफिकल्टी टू इंसर्ट, इंसर्शन में डिफिकल्टी होने वाली है,
इंसर्शन में डिफिकल्टी होने वाली है, ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन है, आराम से जो है फिटस का हेड आराम से निकल सकता है, नॉर्मल कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इंसर्ट ही ना हो पाए, फेल हो जाए, इंसर्ट करने में फेल हो जाए, या फिर फेल इंसर्ट तो की लेकिन डिफिकल्टी के साथ इंसर्ट किया है, तो दोनों ही कंडीशन नॉर्मल है, आराम से डिलीवरी बच्चे की हो सकती है, ठीक है, इसका ये डायग्नोल का ये होता है। दूसरी बात बात करें, इंसर्ट करने के बाद आपको जो लेफ्ट हैंड है, मानिए ये सैक्रल प्रोमिनेंट्री है, और ये प्यूबिस सिंफाइसिस है, आपको ऐसे इंसर्ट करनी है, ठीक है, ऐसे इंसर्ट करनी है राइट हैंड साइड से, राइट साइड से, और तब तक इंसर्ट करनी है तब तक आपको बोनी सैक्रम प्रोमिनेंट्री फेल नहीं हो, बोनी सैक्रम प्रोमिनेंट्री फेल नहीं हो, वहां तक आपको इंसर्ट करना है। जब फील हो तो लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है, इंडिकेट करना पड़ेगा, मार्किंग करनी पड़ेगी कहां तक है, मार्किंग है, उसके बाद फिंगर को निकालना है। मिडिल मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट देखो, इसका मेजरमेंट होता है टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू द मार्किंग, जो मार्किंग की थी आपने, मार्किंग तक आपको मेजर करना है, जहां से मार्किंग की है लेफ्ट हैंड साइड से, जहां तक इंसर्ट हुआ है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड से मार्किंग करनी पड़ती है। टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, इंडेक्स से नहीं भाई, इंडेक्स पहले आती नहीं, मिडिल फिंगर तक जाएगा, मिडिल फिंगर से लेके मार्किंग करनी है आपको, मार्किंग पॉइंट तक आपको मेजर करना है, उस डायमीटर को सेंटीमीटर में मेजर होगा, जितना भी हो लिख सकते हो, ठीक है। अगर उसमें से अगर आप उस डायमीटर में से अगर आप दो घटा दोगे, दो डायमीटर घटा दोगे, तो आपको ऑब्स्ट्रक्ट्रिकल मिल जाएगा, किसमें से, डायगोनल में से टू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑब्स्ट्रक्ट्रिकल मिल जाएगा, डायगोनल में से वन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ट्रू मिल जाएगा, ट्रू कॉन्जुगेट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से निकालते हैं, डोर्सल पोजीशन करते हैं। मेजरमेंट कहां से होता है, कहीं आप इंसर्ट करो तो सोचो कि इंडेक्स फिंगर से नहीं, मिडिल फिंगर से लेके मार्किंग पॉइंट तक आपको मेजर करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिंगर को इंसर्ट करना होता है, टू फिंगर इंसर्ट होगी। अगर डिफिकल्टी क्वेश्चन आए एग्जाम में, डिफिकल्टी टू इंसर्शन, इंसर्शन में डिफिकल्टी है, और फेल टू इंसर्शन, फेल टू इंसर्शन, इंसर्ट करने में आप फेल हो गए, नहीं कर पा रहे आप सैक्रल प्रोमिनेंट्री को नहीं फाइंड कर पा रहे, इसका मतलब कंडीशन नॉर्मल है, इसका मतलब कंडीशन कैसी है भाई, नॉर्मल है, ध्यान रखना है आपको। ये था डायगोनल कॉन्जुगेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायग्राम के थ्रू अभी आप इसको देख ही लोगे, ठीक है, चलिए। देखिए इस तरीके से डायगोनल कॉन्जुगेट को मेजर किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये इमेज दिखा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या नाम है, डायगोनल कॉन्जुगेट है, एनाटॉमिकल ट्रू कॉन्जुगेट है, एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्जुगेट है, तो आपको ध्यान रखना है ये डायगोनल कॉन्जुगेट है, इस तरीके से मेजर किया जाता है इसको, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया था पूरा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, मिडिल फिंगर से लेके मार्किंग पॉइंट तक आपको मेजर करना होता है, ये है डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है।